नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पर मैं मोहित अहलावत आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हम रोहित जी के चैनल पे रोहित जी के ही खेत में आए हैं और ये वैरायटी पता नहीं कौन सी लगा रखी इन्होंने, बहुत तगड़ी हो रही, पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था करी। आज इनका रिव्यू लेने आए थे, एक बार इनसे ही पूछेंगे जी क्या क्या करा इसमें। नमस्ते जी। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और बस परिचित तो सभी लोग हैं। हाँ जी, परिचित तो खैर सब है। तो आप प्रश्न उठा देंगे, वैरायटी कौन सी है? वैरायटी हाँ अपनी वही है 11015 भाई जी। यो तो जी मामला कैटा कर रखा था हमने। थोड़ा आगे चलेंगे आज भाइयों, पूरा रिव्यू देंगे इसके बदमारियों, पूरी वीडियो पूरी व्यवस्था समझाऊंगा आज, कैसे कैसे मैंने कब कब क्या करा या कौन कौन सी चीजें मुझे चुनौती के तौर पर इस खेत में लेनी पड़ी। चलो जी, तो ऐसा तो यही नहीं खड़ा कहीं और दौरे भी देखा नहीं। अब लो अजी होगा ऐसी तो बात ना, टीलेस वगैरह भी देख लो, गन्ने में दमखम भी है नहीं है, क्वालिटी है नहीं है। नजदीक से दिखा दो, थोड़ा जूम वगैरह भी करना पड़ता है। ये देखो पहचान दिखा दो, 11015 वेराइटी की, ठीक है जी। ऑयल सीड अपने मानो अलावत भाई से लेके आए थे बिजनौर से, ठीक है जी। एक नंबर जी, इसकी क्या क्या व्यवस्था कर रखी इसमें, क्या क्या देखना पड़ा आपको, कुछ दिक्कत परेशानी? पहले तो बता, सुरंग से कैसी खुली? बहुत जबरदस्त। इसमें तो लगा कुछ पार लो, भूसकी कच्चे लिकट देगी नहीं लेकर आदमी बेहतरीन, मोटरसाइकिल चल जाएगी आराम से चल जाएगी, इसमें तो ई रिक्शा भी चल जाएगी। चलो आगे चलिए, ई रिक्शा तो चढ़ देगी, रिक्शा नहीं चल रही। चलो दिखाते हैं आगे, आ जाओ। ये बीच में थोड़ा सा रास्ता छोड़ रखा, दूसरे गेट में जाना पड़ा। हाँ हाँ, ये तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर से भी देख लो। ये तो पता जी, ये भाइयों और थोड़ा सा बताता भी चलूं, पहले तो इसकी हाइट देख लो, होगी नहीं जी 18 फीट के लगभग? नहीं यार, होगी बिल्कुल नहीं, ज्यादा हाँ 13 फुट के आसपास हो सके। 13? अरे जी नहीं, क्या बात कर, अब इतना ही होगा, अरे ज्यादा ना होगा, देखने में देखो। अब बैंड भी लेके ना, समझो मेरी बात को, 5 फुट डिस्टेंस है, वही तो कोनी लेके भी बताया तो थोड़ा 1-2 फुट तो डाउन मारेगा, वही तो कह रहा जी मैं। तो भाइयों विस्तार से बता रहा हूँ, पूरी जानकारी प्रॉपर कर पे बने रहिए लास्ट तक। इसकी व्यवस्था थोड़ी सी बताऊं वो भी ठीक रहेगा? हाँ जी, आप कुछ और प्रश्न करना चाह रहे हो पहले कर सकते हो। नहीं व्यवस्था बताओ पहले, इसमें क्या आता नू बताओ। इसमें यहाँ पे 84-36 गन्ना था। अच्छा जी। और ये मैंने अक्टूबर शुरू में ही काट के, अच्छा जी, ये 6 खुड़ के लिए जगह खाली करी थी। अच्छा जी। और मतलब कुल्लू में डालने के बाद उसके बाद में खेत की तैयारी करी थी, हैरो टीलर और आपका रोटरी वगैरह सारी चीजें मैंने अच्छे से तैयारी इसकी करवा दी थी। अच्छा जी। तैयार करने के बाद में ट्रेंच से खुड निकलवा दिए थे इसके। खुड निकालने के बाद में एक बुग्गी देसी खाद लेके आया था। अच्छा। तसलों में भर भर वो डाला था मैंने इसे। तो सिंगल बड़ी है? हाँ सिंगल बड़ी है, थोड़ा बता दूं विस्तार से। अच्छा। देसी खाद मैंने सारे खुडों में तसले से लेकर खुद ही भरा था। हाँ तो मेहनत बहुत करी, ट्रेंच से खुड निकालने के बाद, ठीक है। खाद डालने के बाद में फर्टिलाइजर वगैरह सारी चीजें लगा दी थी। अच्छा। जैसे कि डाई है आपका, सल्फर है या फिर आपका हल्का फुल्का यूरिया था, ठीक है, और अपना सड्डा वीर भी था। अच्छा जी। क्योंकि मिक्सिंग वगैरह करी, क्योंकि कुल मिलाकर खाद अच्छे से यूटिलाइज हो था, पौधा अच्छे से उठाए, कुछ इस तरह की। इंसेक्टिसाइड में आपका क्या बोलते हैं रिजेंट था और था भी था। अच्छा जी। ये चीजें मैंने बोते टाइम लगाई थी, बेसिक ही है यही है। ट्रीटमेंट सीड का सिंगल बल प्लांटेशन मेरी है और ट्रीटमेंट जो करा था सिरसा की साइड से करा था। अच्छा जी। डुबो के रखा था, उसके बाद में टुकड़े लेगा। जर्मिनेशन वास्तव में 90% के आसपास जर्मिनेशन उस टाइम पे होगा, 90-95% जर्मिनेशन था। ये तो 90 से ऊपर ही है जी। हाँ। अब आगे की सुनो थोड़ी सी, इसमें ऊपर का जो गन्ना हो कचिया, ये देखो यहाँ पे इसे बोलना कचिया गन्ना जो गोले के अंदर आ जा। हाँ अपना मानना ये था या सुना था ऐसा कुछ कि ये गन्ना जमता नहीं ऐसा कुछ है। अच्छा जी। तो ये मैंने ऊपर का बोया नहीं था, इसकी बुआई नहीं करी ये लास्ट टाइम, ये बोने के बाद में 7 अक्टूबर में बुआई करी थी इसकी। अच्छा जी। 6 तारीख को मानो भाई से लेके आए थे और इसमें फिर इसे बोने के बाद में साथ में 2 दिन बोइंग वगैरह दो बोरर नहीं, अब इसमें एक स्प्रे कर दी मैंने एनपीके वगैरह लगा के। अच्छा जी। कीटनाशक वगैरह थोड़ा सा लगा इसमें, क्या बोलते हैं सर, इमेडा क्लोरोपीडिया प्रोफेस सुपर वगैरह इस तरह की चीजें लगा के मैंने कर दी इसमें, हल्के फुल्के मैग्नोन्यूट्रिएंट वगैरह भी दी थी स्प्रे के तौर पर। चलो चलो। और उस टाइम पे व्यवस्था कर दी थी, उस टाइम पे जो मार्च पास में किया था, 1 धड़ी के करीब, ये 1.5 का पोर्शन होगा, धड़ी भर के करीब शायद इसमें, धड़ी भर हो 5 किलो या 7 किलो के आसपास, 11 मीला कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स लगाया, ठीक है जी, 1 टाइम लगाया था। ठीक।
और फावड़े से हल्की हल्की मिट्टी करके छोड़ देता, फिर उसके बाद वन ने इसका पता नहीं लिया, केवल पानी पे जिंदा रखा है, वन ने स्प्रे नहीं करी, कुछ नहीं करा। अभी 26 तारीख को इसमें मैंने मिट्टी चढ़वाई, मिट्टी चढ़ते टाइम 11 मीना कॉम्प्लेक्स फिर से वन टाइम एक बार फिर से दिया, SSP भी मैंने दिया, ठीक है जी, दो बार कॉम्प्लेक्स, मतलब साडा वीर की साथ में करके शायद अभी मेरे भी आती है रिश्ते से, ये चीजें लाने के बाद में MOP नहीं गिर पाया। ओहो, तो अब मैं यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं समझ गया, SOP गिरता हूँ उसकी जगह, वो नहीं गिर पाया, पर कोई समस्या नहीं है, मिट्टी वगैरह हैरो से चढ़वा दी थी और उसी दिन बारिश पड़ी, कुल मिलाकर खेत भी बच गई थी जान लगभग, थोड़ा सा गिर गया था, देखा था मैंने, गिर गया था थोड़ा, देख लो उसी दिन, अगले दिन ही यानी कि 26 में गिरा, 27 में टंडा आ गया, बिल्कुल देखिए मैंने आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी, एक साइड से मिट्टी आई इसमें, हाँ जी इधर से दब रहा था, हाँ भाई बंदा आप देखो एक मिनट आ जाओ इधर, अब ये बांस दिख रहा है आपको, हाँ जी ये बड़े वाला बांस दिख रहा, बिल्कुल हाँ बहुत लंबा, बांस गन्ने से बहुत ऊपर था जब एक महीने पहली बार बताओ, और आज की डेट में थोड़ा सा अगर पीछे से दिखाओ, थोड़ा पीछे दिखाओ आप, दो ढाई फुट ऊपर ये जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी 3 गुणे 10 में आगे, अब मिट्टी चढ़ाने में लेट कर दिया था, तो भाई फिर एक कबर गन्ने की बधाई करने के बाद में तब ट्रैक्टर से हैरो चली इसमें, हैरो मिट्टी चढ़ाने वाली उससे मिट्टी चढ़वाई थी एक बार बनने के बाद में, नहीं तो टूट रहा था, पहले एक बार आधा खुड़ मेरा आधा हो गया था, दौरे पे ट्रैक्टर फाड़ दिया था, रोटी लेके घुस गया था, बिल्कुल मामला खराब कर दिया था, अब जाके इसने सुकून पड़ा, एक वेरायटी इसमें हो रहा है फ्रंट साइड से, वो भी दिखाऊंगा आपको, अच्छा जी चलो देखो किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त गन्ना खड़ा है 11015, हल्की फुल्की पक्का बोंग की बाहर आई थी, अपने आप से निकल गया, फंगी साइड की स्प्रे में कर नहीं पाया, हाँ एक समस्या अभी भी है, इसके लिए मैंने अभी कोई निवारण करा नहीं, माइट है जी, तो माइट है जी, ये देखो किसान भाइयों नजदीक से दिखा दो, ये जो आपको धब्बे से दिखते हैं ना ये माइट, ये मकड़ी है बहुत बड़ी की, घरवाली मकड़ी नहीं है, कुछ अलग ही है, ओ माइट की स्प्रे होनी थी वो मैं कर नहीं पाया, वो साहब कहीं ना कहीं थोड़ा कीटनाशक मारा, कुछ सुकून है खेत को, बाकी खेत का कलर नहीं टूट रहा अब तक भी, और हाँ एक चीज और बताता चलू, हाँ जी यूरिया वगैरह शुरू में जो देना था दे लिया, यानी कि मार्च तक, उसके बाद मैंने यूरिया की चुटकी गिरी इसमें, बहुत बढ़िया, ये तो यूरिया नहीं गिरा, बहुत तगड़ी लटकन है जी, जो 95 है सामने खड़े हो 95 भी 95 इसकी सच्चाई भी दिखा दो, ओफो ये 95 है फ्रंट पे, इस 95 को 11015 ना तेल जगह है, हाँ जी ये तो दिख रहा है 11015 की हाइट कम से कम 2-2.5 फीट इससे कहीं ज्यादा ऊपर है, अलग ही दिख रहा है, और सेम डोज पे है, जबकि फ्रंट पे तो कोई ज्यादा कुछ बंद करना चाहिए, थोड़ा कैरेक्टर भी दिखा दो, आज अभी कोई कहने लगे 11015 दिखा रहे सारे इसमें, ये 95 है कैरेक्टर देख लो, वही जिग जग में जिस तरह का गन्ना ही होता है, PB95 टीलस वगैरह अच्छे चल भी राजी खुशी रखा, एक चीज तो मैंने नोट करी ये काफी हाई टेम्परेचर वेरायटी झेल है, लटकन बहुत है जी, हाई टेम्परेचर झेल, यानी कि कहने का मतलब है ये पत्ता कभी भी लिपटता नहीं, कितने टेम्परेचर ना सूखता ऊपर से, 11015 का पत्ता लिपट गया था, पर जब से बारिश वगैरह पड़नी शुरू हुई इसका पत्ता खुला, बिल्कुल 11015 हाई टेम्परेचर निकला, जैसे ही बारिश वगैरह पड़ी और पत्ता खुल गया, उस बारिश की बढ़वा डोडी होगी, बिल्कुल, और एक बढ़ने की वजह होगी है ये गन्ना बंधने के बाद में कहीं ज्यादा रफ्तार से गोली की तरफ भागे, वो चीज मैं देख भी रहा, अभी आप देख लो 5-5.5 फुट पे करीब जूना है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी अगला जूना कम से कम यहाँ होगा 2 फुट ऊपर, हाँ जी कम से कम 2 जूने तो मैं कम से कम मान के दो जूने तो लगेंगे जी, कम से कम मान के चल रहा, बाकी राजी खुशी रखो हाथ लोजिंग।